दोस्तों ये आप देख रहे हो मेरे सामने लैक्टोजेन 2 और ये भी लैक्टोजेन 2 है। दोनों सेम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही कंपनी का, दोनों ओरिजिनल ही है, कोई डुप्लीकेट नहीं है दोस्तों। नेस्ले कंपनी का है, मगर इसमें एक अंतर है दोस्तों। क्या अंतर है मैं दिखाना चाहूँगा। सब कुछ सेम है, ऊपर में आप देख रहे हो पाउडर सेम है, सब कुछ सेम है, कंपनी सेम है, मगर मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग डेट जो देख रहे हो, ये आपको जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक है, और ये 350 रुपया आपको यहाँ लिखा हुआ है, RS 350 है दोस्तों। अब ये जनवरी में बना हुआ है, वहीं जो मैं इसको मई में लिया था, मैं जो मैं अपने बच्चे के लिए मई में इसको खरीदा था, मैं बाद में मैं इसको जुलाई में जो लिया मैं दोस्तों, यानी अगस्त फर्स्ट में लिया, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये मैन्युफैक्चर जो हुआ है जुलाई 2022 से हुआ है, 2023 तक है दोस्तों, एक्सेल ए भी है दोस्तों। अंतर क्या मिला आपको इसमें, वो है 350 का और ये 380 रुपया का है दोस्तों। हम जब जब खरीदे ये आपको मई में खरीदे थे, और ये जो है अगस्त फर्स्ट में खरीदा हूँ, यानी 2 तारीख को मैं इसको खरीदा था दोस्तों। तो 2 महीना के अंदर आपको 30 रुपया, ये किस लिए हुआ दोस्तों 30 रुपया बढ़ा, क्योंकि जो है आपको GST जो लगा है दूध पे, दही पे, घी पे, तो इस कारण से इतना महंगा जो है दोस्तों 30 रुपया महंगा खरीदना पड़ रहा है। अब बताओ आप लोग के महीने 2 महीने के बीच में अगर 30 रुपया पाउडर पे महंगाई पड़ जाए, तो आदमी बच्चे को क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। 380 रुपया मतलब समझो कि 400 रुपया हो चुका है दोस्तों, ये 350 रुपया, और ये बच्चा जो है आपको 3 से 4 दिन दोस्तों एक डब्बा चलता है एक बच्चे के लिए। अब इसी तरह GST अगर किसी चीज पर लगाते जाए तो समझिए कितना लॉस है, कि आपको 30 रुपया का अंतर हो चुका है सिर्फ 1 से 2 महीना के अंदर में 30 रुपया का अंतर है दोस्तों। GST कितना लगाया है दूध पे, दही पे, जो कि ये सब चीज पहले इतना GST या फिर जो टैक्स था इस पर भी था और इस पर भी था, विदाउट टैक्स कोई भी नहीं था, मगर आपको GST लगने के बाद से 30 रुपये बढ़ गए, 380 रुपये इसका प्राइस हो गया दोस्तों। मैं इसको 340 भी यूज किया हूँ दोस्तों होलसेल में, मैं 350 लिखा हुआ रहता था, ये भी मैं 380 रुपये का है। तो हमारे बताने का मकसद है कि आप सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर आप देख रहे हो कितना महंगाई हो चुका है, 30 रुपया जो है एक ही बार जो है एक डब्बा के ऊपर आपको बढ़ चुका है दोस्तों। बस इतना ही बताना था। चलिए दोस्तों मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ।